Today, I'm going to give you a brief understanding of five things which a UPSC aspirant must know. Hello everyone, myself Vishakha Singh. I am a career psychologist at Plutus IAS. Today, I'm going to give you a brief understanding of five things which a UPSC aspirant must know. Before that, I would like to give you a brief idea of what the increasing competition in UPSC is. Every year, candidates have been significantly increasing in this UPSC exam. For instance, if I would like to say that in prelims, 10 lakh students apply. Okay, out of them, 5 lakh students only appear in prelims. And 10,000 of them, 10 to 15,000 of them qualify for mains, and 1,500 to 2,000 of them qualify for interview. Okay, so you can just take an idea that what is the percentage of candidates appearing and clearing this exam. So I would like to just tell you that these things are a necessity you have to have in your mind before starting your UPSC preparation. So let's start the video. The first thing a UPSC aspirant must know is UPSC syllabus. देखो UPSC syllabus को जानना इसलिए हमारे लिए जरूरी है. अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ, मुझे उसका सिलेबस ही अगर पता नहीं होगा तो मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि उसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, क्या एरियाज हैं मेरे को जिस पे काम करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. ठीक है, तो जो पहली चीज़ है, आपको बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अ स्टूडेंट मस्ट रीड द सिलेबस थॉरली. आपको सिलेबस का प्रिंटआउट निकालना है, उसको देखना है, अंडरलाइन करना है. ईच एंड एवरी टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पे आपके याद होने चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. अगर आपको सारे टॉपिक्स याद होंगे ना, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपके लिए इतना अच्छा बेनिफिट होगा कि आपको ये रिलेट करने में हेल्प करेगा कि ओके, मैंने जुडिशरी यहाँ पढ़ा था किसी बुक में, तो मैं यहाँ पे सिलेबस में मैंने उसको देखा था. यू वुड रिलेट इट वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट द टॉपिक्स दैट यू आर गुड एट एंड द टॉपिक्स यू नीड हेल्प. देखो सारे तो जो आप टॉपिक सिलेबस में पढ़ोगे यू वुड नॉट बी अवेयर ऑफ. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, मेक नोट्स ऑफ इट, मेक अंडरलाइन कि आपको जिस टॉपिक के लिए अवेयर हो, जिस टॉपिक को आप नहीं जानते हो, सर्कल इट और जस्ट यू नो पुट अ स्टार मार्क ऑन इट कि मुझे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है. ये सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे हैं जो मैं नहीं जानता हूँ. जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो अगर ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है, बट कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है इन डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की. सो डू वन थिंग, अंडरलाइन, मेक नोट्स और हर एक टॉपिक को एनालाइज करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है. थर्ड थिंग, डू दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखो अगर आप पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हो अपने सिलेबस में से, तो आइडेंटिफाई कि ये पॉलिटी के टॉपिक्स ये हैं. सो व्हेन यू आर रीडिंग द बुक आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये टॉपिक तो मैंने सिलेबस में देखा था. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यूपीएससी जो है ना, अपने सिलेबस जो उसने दिया होता है नोटिफिकेशन में, उसके बाहर जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है. सिलेबस जो आपका है वो कंसाइज है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जितना है आपको एक एक चीज़ अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. इसलिए मैंने यूपीएससी सिलेबस फर्स्ट पॉइंट पे रखा है कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी बड़ा काम करने जाते हो तो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है. वो आपका फर्स्ट स्टेप रहता है यूपीएससी सिलेबस. ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन. देखो आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया, अब आगे क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे कैसे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजी प्लेज अ वाइटल रोल इन यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी. अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ चलते रहोगे, आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे, आप डेस्टिनी तक पहुंच ही नहीं सकते.
So you have to have a clear strategy in your mind, on a paper, on your chart. Just write it on a chart paper, put it on a notice board and everything, ki aapko wo strategy yaad rahe, aap usko har baar apne changing pattern ke saath mein usko effectively manage kar sako, theek hai? Second cheez hai, devote sufficient time to each and every topic based on your strength and weaknesses. Dekho, kabhi kabhi bachche पॉलिटी में कमज़ोर होते हैं या हिस्ट्री में कमज़ोर हो, हिस्ट्री सबको बहुत बोरिंग लगती है, हिस्ट्री को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत बोरिंग है, डेट्स हैं, बहुत सारे किंग्स के नाम हैं, मैं नहीं याद कर पाऊँगा. सो अगर आपको हिस्ट्री ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, आप उसे ज़्यादा ज़्यादा टाइम दो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पूरे दिन के लिए एक डेडलाइन बनाया कि मुझे आज पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ही कुछ टॉपिक करने हैं. तो अगर आपको लगता है कि आपका जो वीकनेस है वो हिस्ट्री है, आप एक लॉट चंक ऑफ टाइम हिस्ट्री के लिए रखो, ठीक है? आपको लगता है कि मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एक एक दो दो घंटे पढ़ के भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसके लिए एक एक दो दो घंटे रखिए, बाकी चार से पाँच घंटे आप अपने हिस्ट्री के लिए रखिए, ठीक है? इस हिसाब से क्या है, आप तीनों ही सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हो और जिस सब्जेक्ट को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको भी डिवोट कर पा रहे हो अपना सिग्निफिकेंट टाइम. थर्ड चीज क्या है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद एनसीईआरटी बुक्स. देखो, एनसीईआरटी पढ़ना तो गोल्डन रूल है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं किया. एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है. अगर हम लोग देखो घर बनाते हैं, हम लोग की नींव ही अगर कमज़ोर होगी तो वो घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. अगर हम लोग को अपना एक वजूद बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है इस यूपीएससी एग्जाम को लेकर, तो हमें जो अपना फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी पढ़ के हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाएगा. एनसीईआरटी आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में होती है क्योंकि वो बच्चों के लिए बनी होती है, 6 to 12 के बच्चों के लिए बनी होती है. बच्चों को हम एडवांस लेवल की बुक्स नहीं देते हैं, कंसाइज होती है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल लैंग्वेज में होती है, हर किसी को समझ में आ सकती है. आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उसके बाद आप एडवांस लेवल पर जाइए. बिना एनसीईआरटी देखो सबको ना बोरिंग लगता है कि नहीं 6 to 12 तो मैंने पहले पढ़ा था, मैं अब नहीं पढ़ना चाहता हूँ. लेकिन जो चीज़ बोरिंग होती है ना उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से. इफ़ यू मे हैव नोन कि पिछले साल या बहुत सारे रीसेंट ईयर्स में हमने ये देखा है कि एनसीईआरटी से आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है. थर्ड चीज़, यू मस्ट प्लान ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with a set deadline and stick to it. Prepare your daily, weekly, monthly targets which are achievable. देखो हर एक सब्जेक्ट को, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है तो मैं 4 to 5 to 6 hours न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने वो किया तो फिर आपकी जो और सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर लूज आउट कर जाओगे. यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, अपना जो पूरा दिन का जो टाइम है, रूटीन है, उसको उसी हिसाब से आपको डिवोट करना पड़ेगा. आप डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, सो दैट आपको एक आइडिया लगता रहे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, डू नॉट बर्डन योर सेल्फ. हम ये सोचते हैं कि आज तो मैं पॉलिटी के 2, 3, 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट ऐसे नहीं करना है. आप छोटा टारगेट स्टार्ट करो, उसके बाद आप बड़े टारगेट पे जाओ. अगर आपने ना बड़े टारगेट एकदम से स्टार्ट किए कि मुझे 4-5 चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट करने हैं, आपने नहीं किए, एट द एंड ऑफ द डे आप उस गिल्ट में रहोगे कि मैंने आज ये काम करना था, मैंने नहीं किया, और वो जो ओवरलैप है ना, वो जो बर्डन है, वो बैकलॉग आपका पाइलअप होता रहेगा, और आप फिर एट द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे कि मुझे एक साल और चाहिए प्रिपेयर करने के लिए. तो अगर आपको ये पाइलअप और ये बैकलॉग नहीं चाहिए तो अपना जो टारगेट है वो स्मॉल रखो और उस पर आप काम करो, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है. अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा. टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि देखो कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली. टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है जैसे कि हम लोग प्रोडक्टिव किस किसी आवर्स में होते हैं. कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, कुछ लोग अर्ली बर्ड राइजर्स होते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस टाइम ऑफ डे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं.
अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, आप सुबह उठिए, आप अपना जो भी डेडलाइन है, जो टारगेट है, टू डू लिस्ट बनाइए और सुबह करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं रात भर जग सकता हूँ, मैं रात भर पढ़ना चाहता हूँ, आप वो करिए। ये टाइम ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक फॉर स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के लिए एग्जैक्ट टाइम रखिए, एक स्पेसिफाइड टाइम रखिए, ताकि आपको भी पता रहे कि मैं शायद पूरा दिन ही इकोनॉमिक्स ना पढ़ रहा हूँ, पूरा दिन ही अगर मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ तो वो दिन मेरा। अब ऐसा है कि आप लोग पूरा दिन तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो फिर आपको और सब्जेक्ट्स पे काम करना आपको लूज आउट हो गया। तो हर एक दिन में अपना जो रूटीन आप बनाएंगे उसमें आपको यू हैव टू डिवोट प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और इवन इफ यू वॉन्ट टू नॉट स्टडी और सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अगर टॉपिक्स आप रीड करना चाहते हो उसके लिए भी आपको एक घंटा, कि एक घंटा मुझे प्रेसिडेंट पढ़ना है, एक घंटा मुझे जुडिशरी पढ़ना है, एक घंटा मुझे पार्लियामेंट पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज इंक्लूड ब्रेक्स एंड लेजर एक्टिविटीज। इतना मेहनत करेंगे हम लोग तो हमें लेजर एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है। जस्ट बिल्ड समथिंग विच इज़ विच मेक्स यू हैप्पी, आपको जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। कुछ ऐसी हैबिट्स बनाइए, पेंटिंग करिए, म्यूजिक सुनिए, डांसिंग करिए, या व्हाटएवर यू फील लाइक, जस्ट डू दैट। ब्रेक्स लीजिए प्रॉपर, क्योंकि हमारे माइंड को रिफ्रेशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ इज़ सेट रियलिस्टिक गोल्स। वही जो बात मैंने आपको पहले समझाई कि रियलिस्टिक गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आप, मैं ये मान लूँ कि मुझे आज इकोनॉमिक्स सारी ही पढ़नी है, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग एक दिन में जितना, अगर हम टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे और हम उसको नहीं कवर कर पाएंगे तो हम लोग खुद ही गिल्ट में चले जाएंगे, हम लोग खुद सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। उस सेल्फ डाउट से बचने के लिए ऐसे टारगेट्स आप बनाइए जो कि अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं आपके, विच इज़ रिविजन। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस फॉर UPSC। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, एडवांटेज होगा आपके लिए। देखो, रिविजन करने के लिए आपको ना ऑर्गेनाइज्ड अपना स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप रिविजन करने बैठ रहे हो या मेन्स में भी आप रिविजन करोगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मटेरियल जो है इधर इधर उधर बिखरा हुआ है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिवाइज करना है तो जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करो। निमोनिक्स से मेरा मतलब है कि जैसे हम बचपन में सोलर सिस्टम को याद करने के लिए हम याद करते थे कि माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो उसके इनिशियल्स हम लोग उसको याद कर लेते थे और हमको सोलर सिस्टम आज भी याद होगा। तो वो निमोनिक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको किसी चीज़ से देख कर याद रखना है, मतलब किसी चीज़ से स्टोरी से लिंक करना है, आप वो करिए। डिफरेंट आइडियाज़ अपने आप के लिए क्रिएट करें। स्टडी को अपनी इंजॉयबल बनाइए, उसको बोरिंग ना समझ के। अपने लिए अगर आप जितना स्टडी को इंजॉयबल बनाएंगे, जितना अपने लिए डूएबल बनाएंगे, उतना आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा। आप हर दिन अपने लिए मोटिवेटेड खुद रहेंगे। आपको यूट्यूब पर जाके मोटिवेशनल सेशंस नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आप खुद ही अचीवेबल टारगेट्स करते हैं, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं, आप टॉपिक्स अच्छे से आपको पता हैं, आप करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, टाइम ब्लॉकिंग, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, आप सब कुछ अगर अच्छे से करते हैं तो आपको खुद ही में मोटिवेटेड फील होगा। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, या आपको बाहर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कभी भी मोटिवेशन बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपने अंदर ही ढूंढनी है। और अपने अंदर हम एक UPSC एस्पिरेंट होकर कैसे ढूंढ सकते हैं, जब हम अपने डेली टारगेट, मंथली टारगेट, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद इन टाइम, विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।